12 घंटे पहले बनाए हुए चावल को फिर से तरोताज़ा कैसे बनाए बिना फ्राई किए हुए, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इनको हम चावल जैसे ही चावल बनाएंगे, तेल घी का यूज़ नहीं करेंगे। इनको फिर से आप दाल चावल, दाल बनाकर चावल के साथ खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं। नमस्ते, कमला फूड पार्किंग में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के घंटे को दबा लीजिए ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये बचे हुए चावल को फिर से तरोताज़ा बनाने के लिए ये मैंने रात के चावल लिए हैं। हमें पानी इतना लेना है कि चावल आराम से डूब जाए। तो सबसे पहले हम इस पानी को उबलने देंगे। तो मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ। ये देखिए हमारा पानी उबल रहा है, तो हम ये सारे चावल इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे। और एक उबाल आने देंगे, इनको हिला लेंगे। उबाल लेने के लिए ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए एक उबाल आ गया है, तो अब गैस बंद कर देंगे और ये चावल के अंदर से सारा पानी निकाल लेंगे। ये देखिए चावल से मैंने सारा पानी निकाल दिया है। अब इस बर्तन में चावल वापस निकाल लेंगे। गरम चावल के अंदर आधा छोटा चम्मच देसी घी डाल देंगे। ढक्कन लगा देंगे और ऐसे हाथ से मिक्स कर लेंगे, ऐसे हिला के मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब दाल के साथ चावल खाने लायक हो गए हैं और खिले खिले भी हैं। आप ऐसे गरम गरम चावल यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही गर्म है अभी। आप किसी को भी बताएंगे तो ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये रात के बचे हुए चावल हैं या सुबह के बचे हुए चावल आपने शाम को यूज़ किए हैं। हमने इसके अंदर बिल्कुल भी घी तेल का यूज़ नहीं किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपना टेस्ट कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। एक बार आप ये तरीका ज़रूर अपनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा।